हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आगामी परीक्षा को देखते हुए। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, आठवें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। यानी जो है आठवां होगा ये भारत, यानी आठवां होगा आठवां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी। सही आंसर होगा इसका सी, यानी नई दिल्ली में जो है आठवें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और आपको याद होगा G20 की जो बैठक हुई थी और इंटरपोल की बैठक, इंटरपोल ये जो बैठक हुई थी ये कहाँ पर सम्पन्न की गई थी, नई दिल्ली में ये सम्पन्न की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, दिल्ली कैंट की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यानी दिल्ली कैंट की जो है कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी कर्नल सुनीता। कर्नल सुनीता जो है दिल्ली कैंट की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। और राफेल, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, शिवांगनी। शिवांगनी जो है पहली महिला, भारतीय महिला थी जो राफेल उड़ाने वाली बनी। यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, किस राज्य के किश्तवाड़ के केसर को जीआई टैग मिला। यानी कि अभी हाल ही में जो है किस किश्तवाड़ के केसर को मिला जीआई टैग। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है किश्तवाड़ के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो किश्तवाड़ परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। और केस जीआई टैग जो अधिनियम था ये कब पारित किया गया था, 1999 का ये अधिनियम था। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, किस राज्य में बाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया गया। यानी किस राज्य में जो है अभी हाल ही में बाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका, सही आंसर होगा इसका बी, यानी मेघालय। मेघालय में जो है बाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया गया। और नोकरेक अभियान किस राज्य में है, नोकरेक, यहाँ से ये भी याद रखना है, ये मेघालय में है। और लिविंग, लिविंग रूट, लिविंग रूट जो है ब्रिज किस राज्य में पाए जाते हैं, मेघालय में। और सर्वाधिक वर्षा मानसिंह राम, मानसिंह, मानसिंह राम जो है सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पर, मेघालय में। और बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी मेघालय में ही मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, किस राज्य में दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर पेश किया गया। यानी किस राज्य में जो है दुनिया का पहला होगा 3D मुद्रित मंदिर पेश किया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी तेलंगाना। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर पेश किया गया। और आपको पता होगा रमप्पा, रमप्पा मंदिर किस राज्य में है, ये भी तेलंगाना में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और खजुराहो मंदिर कहाँ है, खजुराहो जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में, एमपी में, यहाँ से भी याद रखना है। सोमनाथ मंदिर जो है, सोमनाथ ये कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता संपन्न की गई कहाँ पर, इसका कहाँ पर ये संपन्न की गई है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, नई दिल्ली में संपन्न की गई। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता जो हुई है ये नई दिल्ली में संपन्न की गई, यहाँ से ये भी याद रखना है। लखनऊ जो है गोमती नदी पर है, गोमती नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यानी किसने जो अभी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने जो है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और वर्तमान में जो है 25 हाईकोर्ट है, यहाँ से ये भी याद रखना है। हाईकोर्ट जो था, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 61 का अधिनियम था। और पहली हाई कोर्ट जो थी 1862 में लगी थी कहां पर, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, राष्ट्रीय व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। यानी कि अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, और ये कहां पर इसका आयोजन किया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, गांधीनगर गुजरात। कहां पर, गुजरात, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। और छार मरुस्थल कहाँ पर है, सर छार मरुस्थल ये गुजरात में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और सर्वाधिक सीमा बना
सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। समुद्र से जो है भारत के 9 राज्य सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि अभी जो नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को यह अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे कहाँ बनेगा, बनने जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो है पहला सोलर एक्सप्रेस वे कहाँ बनने जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, बुंदेलखंड में ये बनने जा रहा है। और तराई क्षेत्र में जो था, तराई क्षेत्र में भारत अभी जो है हाथी रिजर्व बना है, क्या बना था? हाथी रिजर्व, ये भी याद रखना है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है उत्तर प्रदेश में, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ बना है, ये भी उत्तर प्रदेश में बना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस देश में दुनिया के सबसे बड़े विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया गया, यानी कि अभी हाल ही में जो है किस देश में दुनिया के सबसे बड़े विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका डी, यूएई, यूएई में जो है दुनिया का सबसे बड़े विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया गया, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 2023 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, यानी 2023 तक जो है कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, यानी चीन, चीन जो है 2023 तक दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश है। और सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? चीन है, यहाँ से भी याद रखना है। एशियाई गेम जो हुए थे चीन में हुए थे, भारत ने जो है इसमें 28 गोल्ड जीते, और पैरा एशियाई गेम जो हुए थे ये भी चीन में ही संपन्न किए गए, इसमें भारत ने 29 गोल्ड जीते हैं, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में हो रहा है, 13वीं होगी ये हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका डी, यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु चेन्नई, चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और आपको पता होगा अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे वर्ल्ड कप, तो ये मोटेरा स्टेडियम गुजरात में संपन्न किया गया था, जिसे जो है 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है, वो भी ज्यादा टीम जो थी भारत थी, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिडली किस देश से टकराएगा, यानी कि अभी हाल ही में जो उत्पन्न मिडली एक चक्रवात है ये किस देश से टकराएगा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, बांग्लादेश, बांग्लादेश से ही टकराएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में ही स्वतंत्र हुआ था, यहाँ से ये भी याद रखना है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगला किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत से सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर ये भारत से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, यानी 54वें जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये किस राज्य में किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका डी, गोवा में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। और सबसे कम समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गोवा है। भारत के जो है 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, सबसे लंबी जो है गुजरात बनाता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। गोवा में जो है एक मोपा एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर इसका नाम कर दिया गया, मनोहर पारिकर इंटरनेट। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में भारत किस देश से जो है इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है, यानी भारत जो है अभी हाल ही में जो है इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें किस देश से खरीद रहा है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका डी, रूस से ये मिसाइलें खरीद रहा है, यहाँ से ये भी याद रखना है। एससीओ में शामिल होने वाला देश अभी नवीनतम बना है ईरान, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा, यानी कौन सा देश जो है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में टॉप पर रहा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका डी, दक्षिण कोरिया जो है अभी हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, किस देश ने चक्रवात मिडली का नामकरण किया, यानी अभी हाल ही में जो है किस चक्रवात आया मिडली, इसका नामकरण किस देश ने किया है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि मालदीव, मालदीव ने इसका नामकरण किया है।
और तोकाते का जो नामकरण किया था, तोकाते इसका जो नामकरण किया था मेहमान ने किया था, यहाँ से भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लता मंगेशकर को पुरस्कार के लिए नामित किया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार, ये किसकी पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ये सुरेश वाडकर। और कौन से राज्य की सरकार देगी? महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार ये पुरस्कार प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? यानी कि अभी आईसीसी ने जो है हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका के बोर्ड को जो है आईसीसी ने अभी निलंबित कर दिया है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में इसका मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।